जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सब। जवानों, आप सभी के लिए गुड न्यूज निकल के आई है। बम्पर वैकेंसीज का नोटिस निकल के आया है। वैकेंसीज निकल के नहीं आई है, नोटिस निकल के आया है। नोटिस में सारी डिटेल जो है स्टेप वाइज स्टेप दी हुई है। और बच्चों, आज हम इसी नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये नोटिस निकल के आया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के चीफ हेड ऑफ चीफ डिपार्टमेंट से, ये नोटिस निकल के आया है। नोटिस अगर आपको देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जो है नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा। सो बच्चों, जो वैकेंसीज है 41,822 वैकेंसीज है। इसमें एमटीएस की भी 11,000-12,000 वैकेंसीज है, मेट की भी ऑलमोस्ट 27,000-28,000 वैकेंसीज है। बहुत तरह की यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आई है, ठीक है बच्चों। और बच्चों, इस साल तो ये वैकेंसीज नहीं आएगी क्योंकि 2019 और 20 की जो वैकेंसीज थी उनका भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। क्योंकि जब इनकी जो रिक्रूटमेंट सेल है और जो इंजीनियरिंग, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, जब रिक्रूटमेंट सेल ने, गवर्नमेंट ने लेटर लिखा कि आपके यहाँ पे कितने पद खाली है, तो इन्होंने अपना एक पूरा ब्योरा दिया। आप इनकी वेबसाइट पर जाके भी ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। ब्योरा देने के बाद जो पूरे पद खाली हुए हैं वो 41,822 पद इन्होंने खाली दिखाया है कि हमारे यहाँ पे इतने पद खाली है। तो बच्चों, इसमें जो है 10वीं पास भी जाएंगे, 12वीं पास भी जाएंगे, ग्रेजुएशन भी जाएंगे और 18 से 27 साल तक ये भर्ती रहेगी। मतलब 18 से 27 साल के बीच आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये चीजें हैं। सो बच्चों, अभी से ही अपनी पढ़ाई में लग जाओ, भर्ती जो है जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। बच्चों देखो, ऑल इंडिया वैकेंसीज है। देखो, जो 41,822 पद है, ये नहीं कि आपको एकदम से ये आ जाएंगे, नहीं, ऐसा होगा 30-40% पद जो है वो पहले आ जाएंगे। यानी जो ये 41,822 पद है, ये उनमें भी इंक्लूडिंग है जो 2019 और 20 की भर्ती थी, उसके भी ये काउंटिंग पद है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या क्या पद आए हुए हैं, देखो, ग्रुप ए की वैकेंसी जो है वो 44 पोस्ट के लिए पद आया है, इसको यूपीएससी कंडक्ट कराएगा, ठीक है बच्चों। स्टोर ऑफिसर 120 पद है, ठीक है, इसको भी शायद यूपीएससी या एसएससी कंडक्ट कराएगा, ठीक है। सुपरवाइजर के भी 534 पद है, ठीक है। ड्राउचमैन के भी वो 944 पद है, स्टोरमैन के 1026 पद निकल के आए हैं और एमटीएस के 11,316 पद आए हैं। स्टोरमैन, स्टोरकीपर, ड्राउचमैन, सुपरवाइजर, ये सब एसएससी की भर्ती कराएगा, ठीक है। और बाकी बचे मेट, यानी जो जो मेट है, मेट की जो भर्ती है 27,920 पद इनके खाली है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, इसको जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस खुद ही कंडक्ट कराए, ठीक है बच्चों। ये डिटेल आपको मिली है और जल्दी ही इस साल के लास्ट तक या फिर आपको जनवरी फरवरी 2024 तक ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और जो इसका सिलेबस है वो मैंने पहले से ही डाला हुआ है, आप उस सिलेबस को फॉलो कर लो और अभी से तैयारी शुरू कर दो। और जैसे ही वैकेंसी आई वैसे ही आप सिलेक्शन ले लो। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, पहले ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई बुक नहीं है कि 10, 20, 40, 50, 100 पेज पढ़ गए आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ले लो, ठीक है। आपसे भी माइंडेड बच्चा बैठा है जो प्रॉपर अपनी स्टडी कर रहा है और वो तलाश में बैठा है, जैसे ही जॉब आए वैसे ही मैं अप्लाई करूँ, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे है और नोटिफिकेशन जो है 27 जुलाई को आया था। आप जो है टेलीग्राम लिंक पे जाके भी आप देख सकते हो सारी चीजें। और बच्चों, इसमें खास कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ वैकेंसीज के बारे में डिटेल है और जल्दी ही आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। फिर भी आपको डाउट लगता है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, सिलेबस पूछना है, वैकेंसी फिर से पूछनी है, क्या क्या है क्या नहीं है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।